स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नत्थू राम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरेंद्र जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉर्पोरेशन दिल्ली, अरुण कुमार जैन, रेणु जैन, अनुश्री जैन, अंशिता जैन, नंदग्राम, गाजियाबाद, मीना प्रदीप, मधु प्रद्युम्न, सोना अंकित, ऋषभ, तनुज, सुरभि रानू, प्रखर जैन, चांदवार, 83402 सिद्धार्थ नगर, बोरीवली, मुंबई 400066, सुभाष जैन, वीना जैन, संयम जैन, शिखा जैन, साक्षी जैन, सार्थक जैन, प्रीत विहार, दिल्ली, स्वर्गीय श्रीमती रंजन तरुण भाई सेठ की जन्मतिथि स्मरणार्थ श्री तरुण भाई सेठ, समीर दामानी, तेजल दामानी, मलय दामानी, वडोदरा, गुजरात, श्रुत मालिका, बेंगलोर, नया बाजार, दिगंबर जैन मंदिर, ग्वालियर, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, मोक्षमार्गस्य नेतारम्, नेतारम् कर्म भूवृताम्, ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम्, वंदे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। दिगंबर जैन धर्म में तत्वार सूत्र का और भक्तामर स्तोत्र का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। आज भी हमारे देश की लाखों महिलाएं, बड़ी बूढ़ी माताएं, बहनें सब नित्य तत्वार सूत्र और भक्तामर स्तोत्र का पाठ करने के बाद भोजन करती हैं। आज से अब हम तत्वार सूत्र का शिक्षण इस पाठशाला में करेंगे, लेकिन आपसे भी एक निवेदन है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पुस्तक लेके बैठना है। तत्वार सूत्र पुस्तक घर में हो उसको लेके बैठें। अगर आपके पास वो नहीं है ना, तो पूजा की एक किताब लेके बैठ जाएं, क्योंकि पूजा के हर किताब में तत्वार सूत्र जरूर होता है, वो लेके बैठें। साथ में एक कॉपी और एक पेन पेंसिल लेके बैठें, ताकि जो विषय आपको कड़ा नया सुनने को मिले वो उसमें लिखें। आपको और क्या करना है, सबसे पहले तत्वार सूत्र का उच्चारण आपको शुद्ध करना है। सुनते हैं, तत्वार सूत्र का पाठ करने से एक उपवास का फल मिलता है, लेकिन अगर उच्चारण अशुद्ध हो तो क्या होगा? क्या एक उपवास का फल मिलेगा? कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर आपका उच्चारण शुद्ध है, फिर दूसरा काम, आपको प्रत्येक शब्द का अर्थ आना चाहिए। अगर अर्थ समझ में नहीं आता तो उपवास का फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। और फिर आप मुंह से उच्चारण करें, मन से अर्थ लगाते लगाते अगर साथ साथ चलेंगे ना, तब आपको जैसा लिखा है उस तरह आपको एक बार पाठ करने से एक उपवास का फल मिलेगा। तो आपको क्या करना, आपको पहली बात अपना उच्चारण शुद्ध करना है, प्रत्येक शब्द का अर्थ समझना है, और मुख से उच्चारण जब भी करें अर्थ को साथ साथ लगाना है। इसलिए एक कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए और अच्छी तरह से तत्वार सूत्र के अध्ययन में अपना मन लगाइए। हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक शब्द सरल से सरल भाषा में आपके समझ में आ जाए। तो आइए अब तत्वार सूत्र ग्रंथ का आज प्रारंभ किया जाता है। पंडित जी, इस ग्रंथ का वास्तविक नाम क्या है? ग्रंथ का वास्तविक नाम है तत्वार्थ। इसका नाम हम तो सुनते हैं तत्वार्थ सूत्र, वो क्यों नहीं आप कह रहे हैं? तत्वार्थ नाम है वास्तव में, लेकिन सूत्रों में लिखा गया इसलिए इसका नाम पड़ा तत्वार्थ सूत्र। इस ग्रंथ में जीव अजीव को लेके और मोक्ष तक का वर्णन है,
इसलिए इसका नाम पड़ा मोक्ष शास्त्र। मोक्ष शास्त्र नाम कब से पड़ा ये नहीं मालूम पड़ता, इसके बारे में बड़े इतिहासकारों ने कोशिश की लेकिन जवाब नहीं दिया किसी ने। हाँ, मूल नाम इसका तत्वार्थ और सूत्र में होने के कारण तत्वार्थ सूत्र। सूत्र किसे कहते हैं? देखने में छोटे हो और जिनके पेट में अर्थ बहुत भरा हो। सूत्र इतना सा बोला और व्याख्या इतनी हो गई, उन्हें कहते हैं सूत्र। तो ये ग्रंथ तत्वार्थ लिखा गया सूत्रों में, इसलिए इसका नाम पड़ा तत्वार्थ सूत्र और मोक्ष तक का वर्णन होने के कारण मोक्ष शास्त्र। इस ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? इस ग्रंथ के रचयिता आचार्य उमा स्वामी महाराज। आचार्य उमा स्वामी महाराज के जीवन का विशेष वर्णन कहीं पढ़ने को नहीं मिलता, कहीं भी देखने में नहीं आया। इतना जरूर सुनने में आता है कि आचार्य उमा स्वामी महाराज आचार्य कुंद महाराज के पट्ट शिष्य रहे। आचार्य कुंद का आचार्य पद आचार्य उमा स्वामी महाराज को मिला, इसलिए ये आचार्य कुंद महाराज के पट्ट शिष्य कहलाते हैं। उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। पंडित जी, इस ग्रंथ की रचना कब हुई? आचार्य उमा स्वामी महाराज इतने निष्प्रही रहे, इतने निर्विमानी और विनयशील रहे कि उन्होंने ग्रंथ के आदि या अंत में अपना नाम या अपना समय दिया ही नहीं। बहुत से ग्रंथों में बाद में ये लिखना जाना प्रारंभ हुआ कि इस ग्रंथ की रचना कब हुई, लेकिन तत्वार सूत्र के अंत में ये कहीं भी लिखा नहीं मिलता कि इस ग्रंथ की रचना कब हुई। लेकिन जैसा अनुमान लगता है, आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य होने के कारण आचार्य उमा स्वामी महाराज ईशा की पहली या दूसरी शताब्दी के आचार्य रहे। अर्थात इस ग्रंथ की रचना आज से 1800-1900 वर्ष पहले हुई। ग्रंथ क्योंकि विशेष था, इसलिए आज 1800-1900 वर्ष होने के बावजूद भी प्रत्येक जैनी की जवान पर तत्वार सूत्र है और ये इसकी विशेषता है, ये इसके विषय की महानता है, जो लोग इसको आज सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में गिनते हैं। पंडित जी, इस ग्रंथ की रचना किस प्रसंग में की गई? किम वदंती ऐसे है कि एक द्वैपायन नाम का श्रावक था, उसके घर उमा स्वामी महाराज आहार के लिए पधारे। उसने प्रणाम करके उनको आहार दिया। श्रावक उस समय घर पे नहीं था। जब महाराज आहार लेके जाने लगे तो उन्होंने उस श्रावक के दरवाजे पर एक सूत्र लिखा हुआ पढ़ा, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक शब्द नहीं था। आचार्य रुके, उमा स्वामी महाराज उन्होंने देखा और उन्होंने कहा, अरे ये सूत्र तो अधूरा है। उन्होंने फौरन उसके आगे सम्यक शब्द और जोड़ दिया, हो गया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। महाराज बिहार करके जंगल में चले गए। जब वह द्वैपायन नाम का श्रावक आया तो उसने देखा कि मेरे सूत्र के आगे ये सम्यक शब्द किसने बढ़ा दिया। उसने अपनी पत्नी से पूछा, ये सम्यक शब्द किसने बढ़ाया? पत्नी बड़ी प्रसन्न थी। उसने कहा, आज एक बड़े अच्छे महाराज हमारे यहाँ आहार के लिए पधारे थे और उन्होंने ये सम्यक शब्द बढ़ा दिया है। व्यापारी ने महसूस किया, सम्यक शब्द बढ़ाना बिल्कुल उचित था और ये महाराज बड़े विद्वान मनीषी मालूम पड़ते हैं। वह तुरंत जंगल में उन्मन महाराज के पास गया, उनको नमस्तु किया और बोला, महाराज आपने सूत्र के आगे सम्यक शब्द बिल्कुल ठीक लगाया है, लेकिन महाराज अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग जो सूत्र बना, इस सूत्र का विस्तार तो करिए, अर्थात क्या है मोक्ष मार्ग, हम सबको बताने की कृपा करें। तो इस प्रसंग को लेके आचार्य उमा स्वामी महाराज ने फिर इस ग्रंथ का पूरे की रचना की। मोक्ष मार्ग के नेता अर्थात जो हितोपदेशी हैं, भेतारम कर्म भूव्रताम
कर्म रूपी पर्वतों को नष्ट करने वाले अर्थात जो वीतराग है, ज्ञातारं विश्व तत्वानाम विश्व के समस्त तत्वों को जानने वाले अर्थात जो सर्वज्ञ है, अर्थात जो हितोपदेशी है, जो वीतराग है और जो सर्वज्ञ है, ऐसे वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी ऐसे उन अरहंत भगवान, उन सच्चे देव, उन आप्त की में उन गुणों की वंदना प्राप्ति, उन गुणों की प्राप्ति के लिए मैं वंदना करता हूँ। मंगलाचरण कब करना चाहिए? मंगलाचरण आदि में, मध्य में और अंत में करना योग्य है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह मंगलाचरण उमा स्वामी जी महाराज ने नहीं लिखा है, तो इस विषय में हमें क्या धारणा बनानी चाहिए? आपकी बात बिल्कुल उचित है। वास्तव में कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि ये मंगलाचरण उमा स्वामी महाराज ने नहीं लिखा, लेकिन विचारने की बात है, इस मंगलाचरण मोक्ष मार्ग सनेतारम के ऊपर आचार्य सुमंत भद्र महाराज ने आत्मीमांसा लिखी। अगर ये मंगलाचरण उनके स्वयं के सामने नहीं था तो उन्होंने आत्मीमांसा क्यों लिखी? दूसरी बात, आचार्य सुमंत भद्र महाराज को तो आचार्य उमा स्वामी महाराज का पट्ट शिष्य माना जाता है कि उनके मुख्य शिष्य यही थे। दोनों आचार्यों के बीच में ज्यादा समय भी नहीं है, तो जब उनके सामने ये मंगलाचरण उपलब्ध था तभी तो उन्होंने आत्मीमांसा लिखी। अकलंग स्वामी ने इनको आचार्य उमा स्वामी का मंगलाचरण मानता हुआ अष्टशती लिखी, और अष्टशती के ऊपर आचार्य विद्यानंद महाराज ने अष्टसहस्री लिखी। अगर ये मंगलाचरण उनका नहीं होता तो इतने प्रसंग क्यों प्राप्त होते, क्यों आत्मीमांसा लिखी जाती? आचार्य उमा स्वामी महाराज के हृदय को जानने वाले तो समस्त भद्र महाराज थे, इसलिए उन्होंने इस पर आत्मीमांसा लिख के ये बात स्पष्ट कर दी कि इस मंगलाचरण के लिखने वाले आचार्य उमा स्वामी महाराज ही है। पंडित जी साहब, इस मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया गया? इस मंगलाचरण में किसी का नाम न लेकर उस विभूति को नमस्कार किया गया है जिसमें तीन गुण है, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशता। ये तीनों गुण के बिना वो महान आप्त बना नहीं बन सकता, स्पष्ट बात है। सबसे पहले उन्होंने लिखा मोक्ष मार्ग नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। मोक्ष मार्ग का नेता कौन बन सकता है, मोक्ष मार्ग का बताने वाला कौन हो सकता है? जिसने स्वयं मोक्ष मार्ग प्राप्त किया हो, जो मोक्ष मार्ग पर चला हो और जिसने मोक्ष मार्ग की सिद्धि प्राप्त की हो। आप सच्चे देव जो अरहंत भगवान होते हैं ना, उन्होंने मोक्ष मार्ग बताया, वे मोक्ष मार्ग पर चले और उन्होंने मोक्ष मार्ग प्राप्त किया। तो मोक्ष मार्ग नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, उनको नमस्कार किया। भेदतारम कर्म भूव्रताम, कर्म रूपी पहाड़ों को जो नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जिन्होंने चार घातिया कर्मों का नाश कर दिया है। जब तक मोहनी कर्म का नाश ना हो, राग द्वेष से रहित ना हो जाए, तब तक उनका जो प्रतिपादन या उनका जो प्रवचन या उपदेश है ना, निष्पक्ष नहीं हो सकता। इसलिए उसको नमस्कार किया है जो राग द्वेष से रहित हो जाने के कारण जिनका उपदेश निष्पक्ष है, वास्तविक है, यथार्थ है, सच्चा है। इसलिए कर्मरूपी पहाड़ों को नष्ट करने वाले अर्थात चार घातिया कर्मों को नष्ट करने वाले जो हैं, ऐसे उन वीतराग प्रभु को नमस्कार किया है। तीसरा ज्ञातारं विश्व तत्वानाम, जिसने विश्व के समस्त तत्वों को नहीं जाना, जो सारे विश्व को अच्छी प्रकार नहीं जानता, उसका वर्णन या उसके द्वारा दिया गया उपदेश सार्वभौम हो कैसे सकता है? जिसने सब कुछ जान लिया है, जिसके जानने से अब कुछ बाकी नहीं बचा, ऐसा व्यक्ति अगर उपदेश देता है तब हम मानेंगे ये उपदेश वास्तव में ग्रहणीय है। क्यों? क्योंकि इनके ज्ञान से अब कुछ बचा नहीं। उनके ज्ञान में नरक भी दिखाई पड़ता है, उनके ज्ञान में स्वर्ग भी दिखाई पड़ता है, उनके ज्ञान में
स्वयं को रमण समुद्र भी दिखाई पड़ता है और उनके ज्ञान में लोकांतिक देव भी दिखाई पड़ते हैं। तो जिनके ज्ञान में समस्त विश्व, सारा लोक, समस्त तत्व, समस्त पदार्थ स्पष्ट झलकते हैं, वही तो सच्चा वक्ता हो सकता है। इसलिए केवल ज्ञानी अर्थात ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, वीतराग भेतारम कर्म भूव्रताम, और हितोपदेशी अर्थात मोक्ष मार्ग नेतारम, ऐसे उन महान अरहंत परमेश्वर प्रभु की यहाँ वंदना की गई है और उनकी वंदना करना ही उचित है, क्योंकि वास्तव में ग्रंथ की रचना उनके वचनों के आधार से ही हुई है। तत्वार सूत्र का प्रथम अध्याय के पहले सूत्र से अब पढ़ाई प्रारंभ होती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। फिर बोलो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। इसके उच्चारण में हमें किसका ध्यान देना, क्या ध्यान देना है? कुछ लोग कैसे बोलते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये गलत हो गया। चारित्राणी नहीं, चारित्राणी, छोटी की मात्रा को छोटी की मात्रा बोलना है। अब जरा इसके अर्थ पर दृष्टि करें। सूत्र सामने लिखा हुआ है, सूत्र सरल है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, सब लोग ये समझते हैं कि तत्वार सूत्र ग्रंथ बहुत कड़ा है। मैं कहता हूं तत्वार सूत्र ग्रंथ बहुत सरल है, पर सरल कब है, जब उसके सूत्र से आप उस एक एक शब्द का अर्थ समझ लें। अब ये सूत्र आपके सामने है, कितना सरल है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग है। सूत्र कितना सरल है आप देखें, सामने बोर्ड पे भी लिखा है, आपकी किताब में भी लिखा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, चारित्राणि अर्थात ये तीनों मिलकर मोक्ष का मार्ग है। आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं, अगर किसी को सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो गया चौथे गुणस्थान में, अभी मोक्ष मार्ग नहीं हुआ। किसी ने चारित्र को धारण कर लिया और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, तो भी मोक्ष मार्ग नहीं है। कोई बड़ा ज्ञानी बन गया, अच्छे प्रवचन देने लगा, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, मोक्ष मार्ग ही नहीं है। इसलिए आचार्य ने सूत्र बनाया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर, जहां ये तीनों है वह मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन क्या होता है, आपको हमने और भी कई बार पाठशालाओं में समझाया है, देखें जरा ध्यान से। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का स्वरूप समझना और यही सच्चे देव शास्त्र गुरु है ऐसा मानना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और तरह से समझें, सात तत्व नौ पदार्थों का जो स्वरूप शास्त्रों में लिखा है यह यही है, इस प्रकार है ऐसा मानना, यह सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान, सात तत्वों का जैसा स्वरूप शास्त्रों में लिखा है उसको अच्छी प्रकार जानना, अच्छी प्रकार से आत्मा का ज्ञान करना, सम्यक ज्ञान है। और पापों से बचना, शुभ कार्य में प्रवृत्ति करना, आत्मस्वरूप में रमण करना, इसका नाम सम्यक चारित्र है। अगर ये तीनों हैं तो मोक्ष मार्ग है, अगर तीनों मिलकर नहीं है तो मोक्ष मार्ग नहीं है। इससे ये बात भी स्पष्ट हो रही है कि मोक्ष मार्ग प्रारंभ कहाँ से माना जाए, जहाँ सम्यक चारित्र हो और सम्यक दर्शन सहित हो। तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनं। तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनं। बोलिए। तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनं। तत्वार्थ, तत्व माने सात तत्वों का, यथार्थ श्रद्धान माने विश्वास करना, सम्यक दर्शन है।
हमने सात तत्वों का स्वरूप शास्त्रों में पढ़ा के शास्त्र में ऐसा ऐसा स्वरूप सात तत्वों का लिखा है। ये जो लिखा है सर्वज्ञ देव ने कहा है, सच्चे जो आचार्य गुरुदेव हैं उन्होंने इसको लिखा है, इसलिए ये सच्चा है। तत्वों का वास्तविक स्वरूप यही है, ऐसा पक्का विश्वास हो जाना। सात तत्वों का यथार्थ स्वरूप यह है, अन्य नहीं है, इसी प्रकार है, अन्य प्रकार नहीं है, ऐसा पक्का श्रद्धान हो जाना, जैसा सच्चे शास्त्रों में लिखा है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। पंडित जी, हमें सात तत्वों का ज्ञान तो है पर हमें श्रद्धान है, ये कैसे मालूम पड़े? श्रद्धान का मतलब होता है अटूट विश्वास। शास्त्र में हमने पढ़ा जीव तत्व तो, अजीव तत्व तो हमने पढ़ लिया, फिर हमारा विश्वास बन जाए ये ऐसा ही है, अन्य प्रकार नहीं है। यदि आपको ऐसा विश्वास है तो आपका जो ज्ञान है वो श्रद्धान सहित है, और अगर आपने मात्र जान लिया और अभी माना नहीं तो फिर श्रद्धान कहाँ हुआ, मात्र ज्ञान ही तो रह गया। सबसे पहले शास्त्र ज्ञान होता है, और शास्त्र ज्ञान के अनुसार यदि आपकी मान्यता बन जाती है तब सम्यक दर्शन होता है, और सम्यक दर्शन होने पर आपका ज्ञान फिर सम्यक ज्ञान कहलाता है। अटूट विश्वास होना चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो अटूट विश्वास या श्रद्धा किसे कहते हैं, मान लो कोई आपसे ये कहे, भैया जी ये पोटेशियम साइनाइड रखी है, थोड़ी सी इसे चख के बता दो, हम आपको 5,00,000 रुपए देते हैं, क्या आप खाना चाहोगे? नहीं नहीं ऐसे कैसे खाना चाहेंगे, क्यों नहीं खाना चाहेंगे, इसके खाने से आदमी मर जाता है। आपने आज तक किसी को मरते हुए देखा क्या? नहीं देखा। आपने अखबार में कोई घटना पढ़ी क्या? नहीं पढ़ी। फिर आप ये कैसे मानते हो? क्योंकि आपको विश्वास है, आपको श्रद्धा है। अगर कोई बिजली के तार पे से प्लास्टिक या रबर हटा दे और आपसे कहे जरा इसको छू लेना, आप क्या बोलेंगे? नहीं नहीं ये तो करंट मार देगा, हम मर जाएंगे। क्यों, आपने कभी ट्राई किया पहले? नहीं किया। तो विश्वास को बना लिया, क्योंकि ऐसा सुनते हैं और देखा भी है, बिजली के करंट से लोग मर जाते हैं, तो इसे कहते हैं विश्वास। जिस समय आपको ये विश्वास हो जाए ये आश्रव ये बंध ये आत्मा का नुकसान करने वाले हैं, मैं इनसे कैसे बचूं, जब आपको ये विश्वास हो जाए शरीर अलग आत्मा अलग, तुम कौन हो, मैं दो वस्तु मिली हुई है, ये दिखने वाला जो है ना ये शरीर है ये तो पुद्गल है, और इसमें जो देखने वाला है ना वह आत्मा है, इसे कहते हैं भेद विज्ञान। अगर आपने इस शरीर को जीव मान लिया तो आपका श्रद्धान ठीक नहीं हुआ। आपने कहा दिखने वाला ये तो अजीव है पुद्गल है, और जो इसमें देखने वाला है वो जीव है, मैं शरीर नहीं मैं तो आत्मा ही हूँ, तब कहते हैं श्रद्धान। एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक बार जयपुर में एक सज्जन को भयंकर कैंसर हो गया, अंग अंग से मवाद फूटता था। उनको जाके देखने का मौका मिला, मैं उनके पास गया, सारे परिवार के लोगों ने उनको एक अलग कमरे में रख दिया था क्योंकि बदबू मारती थी बुरी। मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कहा भैया तुम्हारा तो क्या हाल हो रहा है, देखो। उन्होंने क्या उत्तर दिया, उन्होंने उत्तर दिया क्यों क्या उल्टी बात करते हो, ये हाल मेरा नहीं ये तो शरीर का है, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा को कभी कैंसर या कुछ भी होता है क्या? नहीं होता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल, अमिता जैन वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, माणक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान।
स्वर्गीय माता सीतावंती धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नत्थू राम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरेंद्र जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉर्पोरेशन दिल्ली, अरुण कुमार जैन, रेणु जैन, अनुश्री जैन, अंशिता जैन, नंदग्राम, गाजियाबाद, मीना प्रदीप, मधु प्रद्युम्न, सोना अंकित, ऋषभ, तनुज, सुरभि रानू, प्रखर जैन, चांदवार, 83402 सिद्धार्थ नगर, बोरीवली, मुंबई 400066, सुभाष जैन, वीना जैन, संयम जैन, शिखा जैन, साक्षी जैन, सार्थक जैन, प्रीत विहार, दिल्ली, स्वर्गीय श्रीमती रंजन तरुण भाई सेठ की जन्मतिथि स्मरणार्थ श्री तरुण भाई सेठ, समीर दामानी, तेजल दामानी, मलय दामानी, वडोदरा, गुजरात, श्रुत मालिका, बेंगलोर, नया बाजार, दिगंबर जैन मंदिर, ग्वालियर,